मूवी के स्टार्ट में हमें नोबिता और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां सुनियो सभी को दिखा रहा होता है कि कैसे वो प्राइवेट प्लेन में बैठकर हवाई घूमने गया था। फिर वो बताता है कि उसके पापा भी एक प्राइवेट प्लेन खरीदने वाले हैं, जिसके बाद वो प्लेन से ही स्कूल जाया करेगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद सुनियो नोबिता को अपने प्लेन में बिठाने से मना कर देता है। फिर नोबिता घर जाकर डोरेमोन से कहता है कि मुझे भी प्राइवेट प्लेन में बैठना है, जिसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम बग कंट्रोल हैंडल होता है, जिसकी मदद से वो किसी भी बग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ग्राउंड में चले जाते हैं और सेफ शिपिंग टनल की मदद से छोटे हो जाते हैं, जिससे उन्हें वो ग्राउंड जंगल जैसा लगने लगता है। फिर डोरेमोन एक ड्रैगन फ्लाई पर कंट्रोल हैंडल लगाकर उसकी सवारी करने लगता है, जिसके बाद नोबिता भी एक ड्रैगन फ्लाई पर बैठ जाता है, लेकिन वो उड़ता नहीं है। फिर नोबिता देखता है कि उसका एक पंख कटा होता है, इसलिए डोरेमोन अपने गैजेट से उसका पंख ठीक कर देता है। इसके बाद नोबिता का ड्रैगन फ्लाई भी उड़ने लगता है। फिर दोनों उड़ते हुए शिजुका के पास जाते हैं, जहाँ शिजुका पौधों में पानी दे रही थी और वो गलती से डोरेमोन और नोबिता पर भी पानी डाल देती है, जिसके बाद शिजुका भी एक बटरफ्लाई को कंट्रोल कर उसकी सवारी करने लगती है। तभी जियान और सुनियो भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिन्हें नोबिता देख लेता है और उन्हें बहुत परेशान करता है। जियान और सुनियो भी उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। फिर जियान नोबिता के ड्रैगन फ्लाई को हिप्नोटाइज कर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद जियान और सुनियो भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं और सभी बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जियान सभी को पहाड़ी तक रेस करने को बोलता है और जो हारेगा वो स्कूल की सफाई करेगा। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है, जियान और सुनियो तेजी से आगे निकल जाते हैं। तभी नोबिता को सुनियो के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी देखते हैं कि सुनियो एक मकड़ी के जाले में फंस चुका है और वो मकड़ी सुनियो को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी नोबिता मकड़ी पर एयरगन से हमला करने लगता है और दूसरी तरफ डोरेमोन जाल काट कर सुनियो को बचा लेता है। वहीं जब जियान पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा। तभी अचानक उसके सामने एक हनी भी आ जाती है, जिसे देखकर जियान डर कर चिल्लाने लगता है और वो भी उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ सभी को जियान के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी तेजी से उसकी ओर जाने लगते हैं। सभी जियान को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां जियान के ड्रैगन फ्लाई का कटा हुआ पंख और हैंडल मिलता है और सभी डर जाते हैं। तभी डोरेमोन जियान को ढूंढने के लिए टाइम टीवी निकालता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जियान को हनी भी अपने साथ लेकर गई है। सभी जियान को बचाने के लिए उसी ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ ग्रासहॉपर दिखते हैं, जिन पर वो हैंडल लगाकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हनी भी जियान और उसके ड्रैगन फ्लाई को अपने छत्ते के पास लेकर जाती है, लेकिन जियान वहां से भागने लगता है और हनी भी उसके पीछे पड़ जाती है। दूसरी ओर नोबिता और उनके दोस्तों के सामने बड़े बड़े ऑर्थोपोड्स आ जाते हैं। फिर उनके ग्रास होपर और ऑर्थोपोड्स के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे डरकर सभी वहां से भागकर एक तालाब के पास आ जाते हैं, जो असल में एक गड्ढे का पानी होता है। जिसके बाद सभी पानी में वेव बनाकर वाटर स्कीपर को अपनी ओर बुलाते हैं और उन पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर जियान हनीबी से बचकर भाग रहा होता है और वो गलती से उन्हीं के छत्ते में घुस जाता है, जिसे डोरेमोन और बाकी सब भी देख लेते हैं और जियान को बचाने के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन हनीबी उन्हें देख लेती है और उनके पीछे पड़ जाती है। अंदर जाकर जियान को पता चलता है कि वो गलती से हनीबी के छत्ते में आ गया है। बाहर डोरेमोन और बाकी सभी को एक ग्राउंड किटकिट मिलता है, जिसकी मदद से वो जमीन खोदकर छत्ते के अंदर जाने लगते हैं और सही समय पर जियान को हनीबी का खाना बनने से बचा लेते हैं। इसके बाद वो जियान को लेकर छत्ते से सेफली बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो हनीबी अपनी टीम के साथ उनके पीछे पड़ जाती है और वो सभी बचकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में डोरेमोन से वो कंट्रोल हैंडल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो किटकिट भी भाग जाता है, इसलिए उन्हें पैदल ही वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते सभी पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं और बेलों से लटक कर बच जाते हैं, लेकिन नोबिता बेलों को पकड़ नहीं पाता और नीचे पानी में गिरने लगता है कि तभी एक ड्रैगन फ्लाई आकर नोबिता को बचा लेता है। नोबिता देखता है कि यह वही ड्रैगन फ्लाई है जिसकी उसने मदद की थी और वो बहुत खुश होता है। पानी देखकर सभी हनी भी वहां से चली जाती है। अंत में नोबिता उस ड्रैगन फ्लाई को थैंक्स बोलता है और सभी इस एडवेंचर को याद कर हंसने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।